नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। स्थानीय पुलिस ने विशेष अभियान के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक बारान राजकुमार चौधरी के निर्देशानुसार और उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शाहबाद के सुपरविजन में आज नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बजरंगगढ़ में अवैध गांजा ले जाते वक्त दो व्यक्तियों को दबोचा। थानाधिकारी घनश्याम चौधरी ने बताया कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के जलवाड़ा बजरंगगढ़ में रात्रि नाकाबंदी के दौरान खिरुना तिराहे पर गोबरचा की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पुलिस की गाड़ी को टिककर वापस भागने लगे। तभी पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ा और पूछने पर संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए तो तलाशी ली गई, जिसमें दोनों के बीच रखे कट्टे में पारदर्शी थैली में गांजा बरामद किया गया और दोनों को डिटेन कर थाने लेकर आए, जिसमें शैलेंद्र नागर पुत्र घनश्याम उम्र 30 वर्ष निवासी बजरंगगढ़ और दूसरा शोकरण सहरिया पुत्र भेरूलाल निवासी प्रेमपुरा को डिटेन कर मोटरसाइकिल RJ20SM2123 और 800 ग्राम गांजा जब्त कर उचित कार्रवाई की गई, जिसमें SI साहेब सिंह, हेड कांस्टेबल बाबूलाल कांस्टेबल आशुराम कुंभा राम राम अवतार की अहम भूमिका रही। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शमशाद खान रंगीला की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.